हेलो भाई मोहन पवार, अगर आप टोयोटा की बात करते हो ना, आज के टाइम में भाई सबसे ज़्यादा जो इनकी वेटिंग है ना, इसी गाड़ी के लिए है भाई, जो है आपकी हाई क्रॉस। आज मैं आपको टोयोटा हाई क्रॉस हाइब्रिड टॉप वेरिएंट जो है इसका ZX ऑप्शनल, इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। एक ओनर के थ्रू हम जानेंगे कि भाई उनको कितना वेट करना पड़ा इस गाड़ी के लिए और इतनी वेटिंग इस गाड़ी पे ऐसे क्यों है भाई, हफ्तों हफ्तों की वेटिंग, महीनों की, मतलब साल साल क्रॉस करे जा रही है, ऐसा इस गाड़ी के अंदर क्या है जो इन्होंने टोयोटा वालों ने डाल दिए इनोवा हाई क्रॉस के अंदर, जबकि डीजल नहीं है इस गाड़ी के अंदर। भाई आपको इनोवा हाई क्रॉस के अंदर डीजल ही देखने के लिए नहीं मिलता है, जो पहले इनकी यूएसपी हुआ करती थी, फॉर्च्यूनर हो, इनोवा क्रिस्टा हो, डीजल के लिए जानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड इन्होंने जब से निकाल लिया ना भाई, इनकी और सेल्स बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए आज मयंक यादव भाई और उनके दोस्त आए हैं इस गाड़ी को लेके। तो सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया। अब भाई हम भी बढ़िया है भाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए भाई का। भाई कपासेडा से हूँ। पहले तो भाई को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, 15 दिन पहले आपने ये गाड़ी की डिलीवरी ली है, तो कैसी फीलिंग है भाई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ऑन करके? बहुत बढ़िया, इससे पहले भी टोयोटा चलाई है, लेकिन जो इसमें फील आ रही है ना वो पहले नहीं आती यार। मतलब टोयोटा वाला टोयोटा ही लेता है, ये तो आप प्रूव कर रहे हो। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है यार? भाई और मैं बात ही नहीं है, जो इसके बचती है महिंद्रा नहीं है वो फील, वो इसमें है वो उसमें नहीं है। सर्विस वर्विस मैच नहीं है। सर्विस में तो सुबह लेके जाओ, मैं सुबह जाता 10-11 बजे, शाम को 6 बजे घर पड़ता था। अच्छा महिंद्रा में? हाँ, तो 300 है और उसमें दिमाग खराब कर देते हैं। तो टोयोटा कौन सी थी आपके पास पहले? भाई इससे पहले फॉर्च्यूनर थी, उससे पहले इनोवा थी। अच्छा। उससे पहले क्वालिस भी चलाई है। अच्छा, टोयोटा जब से इंडिया में आई है तब से चला ही रहे हैं। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आपने बेच के फिर ये लिया? हाँ जी। भाई मतलब फॉर्च्यूनर के बाद हाई क्रॉस कैसे, मतलब क्या पीछे का वो रहा सोचने का तरीका? भाई लेनी तो फॉर्च्यूनर ही थी, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे लॉन्च हो गई तो नई चीज थी, फॉर्च्यूनर वही ओल्ड शेप चलती आ रही है, कोई मेजर चेंज तो हुआ नहीं फेसलिफ्ट के बाद भी, तो सीधे ठाके बुक कर आए थे अनऑफिशियल में। अच्छा, जब ऐसे देखा लीक्स आई थी कि डिजाइन ऐसा है, कुछ पता नहीं था क्या फीचर है, क्या कलर है, कुछ भी नहीं पता था, बस बुक कर दी थी। अब अंदर बैठते हैं भाई इनोवा हाई क्रॉस के अंदर। भाई ये हाइब्रिड वाली है भाई की, एकदम टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर आप चाह के भी कुछ नहीं खरीद सकते हो। मतलब टोयोटा की ये लिमिट थी इस हाई क्रॉस को बनाते वक्त। अब बताओ भाई, मतलब फॉर्च्यूनर सही है, आपने मतलब ऐसे डिलीट कर दी कि फॉर्च्यूनर मैं नहीं लूंगा? हाँ। आपका कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी वाला मेरे ख्याल से वो रहा होगा। मेन हमारा था, हमें फैमिली कार चाहिए क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, हम प्रॉपर ये लगा लो जितनी सीट है उतने आदमी बैठ के जाते हैं। अच्छा, इसमें 7 है आपकी? हाँ, इससे ज्यादा बैठ सकते हैं, 11 आदमी है घर में। अच्छा, तो फिर दो गाड़ी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि पूरा परिवार चलने लग गया तो ये इनोवा भी छोटी पड़ जाती होगी। अगर कोई जैसे और गाड़ी लेते तो उसमें थर्ड रो होती है। हाँ। लेकिन वो हमारे लिए कामयाब नहीं है। बिल्कुल भाई, इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। हाँ। अभी आप देखोगे बस इनोवा क्रिस्टा है, वो जो पुरानी वाली अब भी बिक रही है वो डीजल के अंदर बिक रही है, डीजल मैनुअल में केवल वो वाली गाड़ी आ रही है, लेकिन ये प्योर एकदम पेट्रोल है। तो यहाँ पे टोयोटा ने ऑप्शन रख दिया कि भाई किसी को क्रिस्टा पसंद है तो वो ले लेना, और किसी को हाइब्रिड वाली सिस्टम चाहिए, ये वाला सिस्टम जो इसके अंदर आता है जिसमें ईवी मोड पे गाड़ी स्टार्ट होगी, तो ये 8-सीटर वो होती होगी बस जिसमें बेंच सीट आ जाएगी पूरी कम्प्लीट, है ना? बेस मॉडल में आ रही है, टॉप मॉडल में 8-सीटर का ऑप्शन ही नहीं। तो ये टॉप मॉडल ही क्यों लेना था भाई आपको इसका? भाई जब हमने बुक करवाई थी तब आपको बता दिया कि हमें पता ही नहीं था कैसी गाड़ी है, तो सीधे टॉप ही बुक करवाई थी कि उसमें सब कुछ होगा। तो भाई प्राइस भी नहीं पता होगा फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। तो ये था कि 30-40 के बीच में आएगी। हाँ। ये 35 की है, बिल्कुल बीचों बीच आई है। तो 35 की पड़ी आपको ये? हाँ जी भाई, 35 लाख रुपए में आपने हाई क्रॉस खरीदी। बिल्कुल भाई, पहले फॉर्च्यूनर इनोवा का सेम सा हुआ करता था, ऐसे वो फ्लोटिंग सा, लेकिन अब यहाँ पे देखना जो आजकल नया चलने लग गया है भाई, पूरी बड़ी डिस्प्ले इस तरीके की आ गई, यहाँ पे अपने को गियर नॉब वगैरह देखने को मिल गया, ईवी मोड मिल गया, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अरे ये क्या रख रखा है भाई ने, इन्वॉल्व वन का हाइप भाई, कहाँ से लिया भाई ये? शोरूम वाले ने दिया था, शोरूम वाले टोयोटा वाले ये देने लग गया वो कंपनी। अगर आपकी गाड़ी में अभी तक नहीं है तो involvesensi.com से जाके अभी आपको जरूर खरीदना चाहिए, ये हाई वाला है, खुशबू तो मस्त रहती होगा ना भाई? तो भाई नई गाड़ी की तो वैसे खुशबू एक अलग रहती है, और उसमें चार चांद लगाने के लिए इन्वॉल्व है ही भाई, सबसे बेस्ट। तो आप इसको जरूर से परचेज कर सकते हैं, रखा हुआ अभी गाड़ी में एकदम सॉलिड लगता है भाई। अब मेरे को बताइए सबसे मेन चीज, देखो हाइब्रिड ले ली है ना, हाई क्रॉस ले ली, वेटिंग क्या है भाई, कैसे मिल गई? लोग बावले हुए पड़े कि भाई हमको हाई क्रॉस मिल जाए लेकिन मिल नहीं रही है। भाई जैसे आपको बताया मैंने अनऑफिशियल में बुक करवा दी थी, हम गए थे उस टाइम पे जो ग्लैंजा आती है उसको पूछने के लिए। हाँ। भाई के लिए इसका हमें पता चल गया कि ये थोड़ी दिन में लॉन्च होने वाली है, हमने ठाके अनऑफिशियल बुकिंग मार दी इसकी। अच्छा जी। हाँ, तो आपको फिर ये फर्स्ट लॉट में मिल गया, हमें पहले जब गाड़ी आई उन्होंने आते ही साथ हमें मिल गई भाई। वाह भाई, मिलनी फर्स्ट इन दिल्ली थी,
लेकिन वो हमारा फाइनेंस का कुछ दिक्कत हो गई थी, उस वजह से नहीं आ पाई थी। तो ये सेकंड जो उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट हुई थी उसमें आई थी ये। तो स्टार्टिंग में जिन जिन्होंने बुक करवा दी थी भाई उनको ये मिल गई। अब तो लोगों को 18-18 महीने की वेटिंग मिल रही है। अब तो बहुत वेट है भाई इस गाड़ी के ऊपर। अब इसकी खासियत मैं बताता हूँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना भी क्या इसमें ऐसा वेटिंग का क्या सीन है। भाई देखो ये गाड़ी आती है पेट्रोल में, ओनली पेट्रोल, 2000 cc का इंजन है इसमें, करीबन आपको 170 hp लगभग पावर मिलती है पेट्रोल के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर क्या है ना, हाइब्रिड वाला सिस्टम डाल रखा है जहाँ पे अपने को बैटरी भी मिलती है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह मिल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मान लो अगर आप डीजल में भी इस गाड़ी को लोगे ना, तो डीजल में भी क्या होगा, आपको माइलेज जो मिलती है वही 10-12। आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर पहले कितनी माइलेज देती थी भाई? भाई 10-12 के बीच में, 10-12 देती थी। अभी इसकी क्या खास बात है भाई, ये क्यों इतनी ज्यादा बिक रही है हाइब्रिड वाले सिस्टम पे, क्यों लोग इतना शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी माइलेज क्या मिल रही है भाई? इसकी अभी हम ट्रिप पे गए थे नैनीताल, तो हमें लगभग 19 की मिली है। मतलब 19-20 की माइलेज आपको ये, हाँ पेट्रोल में दे रही है गाड़ी, बड़ी गाड़ी में, और वो भी 8-seater फीचर लोडेड, JBL के पूरा स्पीकर, पूरा ऑटोमेटिक, यहाँ पे देख रहे हो CVT ट्रांसमिशन पूरा, अब देख रहे हो पैनोरामिक सनरूफ टोयोटा की तरफ से, पूरा देख रहे हो पूरी क्वालिटी वालिटी आपको हर तरीके से। ये सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आ रही है, इसको आप आराम से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, मतलब फॉर्च्यूनर में भी नहीं है इतने फीचर्स तो। लेकिन एक जो कमी है वो टोयोटा में रही है, ये वाली सीट अभी भी मैनुअल वाली है, पीछे वाली वैसी कर दी है इलेक्ट्रिक, पीछे वाली इलेक्ट्रिक सीट्स है भाई, लेकिन ये मैनुअल छोड़ दिया इन्होंने। तो भाई थोड़ा तो कॉस्ट कटिंग ये भी करेंगे ना, तो करेंगे। अब ये भी वो 40 तक पहुंचा देते सब फीचर देके, फिर तो लोग फिर वो और ज्यादा जेब पे भारी पड़ता, जेब पे भारी पड़ता, लोग ऐसे सुनते कि यार 40 lakh की इनोवा 40 lakh की इनोवा बताओ कहां। आप ही बता रहे थे पहले बंदे टाइम में आपने 7-8 lakh की लाए थे जब लॉन्च हुई थी पहली बार, और अब देखो भाई यार कहां, मतलब 35 lakh रुपए ही नहीं होते कुछ यार, बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। पर भाई 35 lakh रुपए के हिसाब से देखो ना तो गाड़ी वर्थ लगती है भाई। ये माइलेज जैसा भाई बता रहे हैं, अभी जैसा ईवी मोड पे गाड़ी खड़ी हुई है तो ये काबिले तारीफ है। अभी मेरे को एक चीज बताइए, ईवी से जब आपकी गाड़ी शिफ्ट होती है भाई उस पे पेट्रोल पे, पेट्रोल से ईवी पे, को पता चलता है क्योंकि अब पेट्रोल इंजन बंद हो चुका है? कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, बस आवाज का फर्क आता है, क्योंकि ईवी में इंजन नॉइज खत्म हो जाती है बिल्कुल, मोटर से ही चलता है। वैसे जब जो पेट्रोल पे चलती है तो उसमें क्योंकि इंजन की आवाज आती है, यही है भाई। बस केवल इससे आपको आइडिया लग पाता है, वरना टेक्नोलॉजी मस्त है। पीछे बैठेंगे भाई, इनोवा में हमेशा पीछे बैठने वालों की ही ज्यादा जैसी रही है, वही थोड़ा सा चोपर ड्रिवन गाड़ियों में गिनते हैं इसको। तो यहाँ पे पीछे इसमें बहुत ज्यादा कम्फर्ट है, जैसे ये वाली सीट है ना, हम जो अपना अंडर थाई सपोर्ट है भाई, इसमें यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, ये तो हो गया अपना पीछे का रिक्लाइन करने का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला बटन जो अपने को मिलता है, इससे हम अपना आराम से इस तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को पीछे करनी है ना, तो पीछे करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वही है कि ये वाला मैनुअल वाला सिस्टम दिया है, तो सब पीछे करके लगा लो अपनी अपना वो लगा लो भाई दरवाजा। लो भाई हाँ यार, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी देख रहेगी। देखो यार ऐसे चलो अपना, यहाँ पे अपना हवा मिलती रहती है, यहाँ पे भी है अपना एसी वेंट, और एक अपना एसी वेंट अपने को यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि थर्ड रो के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा चीज यही कि स्कॉर्पियो में थर्ड रो में एसी नहीं आता। ये तो है भाई, इसलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते थे। अच्छा हाँ, और कोई फैमिली के लिए चाहिए हमें, और कोई गाड़ी नहीं देखी फिर? XUV3 वो 700 है, जो थर्ड रो है उसमें बच्चे भी नहीं बैठ सकते। ये तो है, हैरियर वाली वो जो क्या बोलते हैं उसका सफारी, उसका सेम हाल है। तो चॉइस हमारे पास यही थी, टोयोटा में ही जाना है, फॉर्च्यूनर का पहले मन था, लेकिन ये लॉन्च होगी तो ले आए। अब जैसे ये तो भाई आपने फोल्ड क्यों कर रखी है, ये सीट्स स्पेस वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, बढ़िया है यार मतलब। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो फुल गाड़ी लोड होके जाए तो फिर मैं ये वाला आराम का वो तो नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा भाई, है ना। इसके लिए तो बस 3-4 दिन चलो, मतलब लास्ट 4 दिन चलो, वो ही अपना आराम से एंजॉय कर पाएंगे। बाकी ये सब दे रखा है भाई, जिसका यहाँ पे इसका बटन है, और इसको आप ऐसे करके ऐसे इसको बंद कर सकते हो, और यहाँ से एंट्री एग्जिट भी फिर आसान हो जाती है पीछे साइड जाने में। अब आप अपने कम्फर्टेबली बैठे हो भाई। अब जैसे मैं पीछे जाके एक मिनट इस गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे ये वाला जो नोब है इससे मैं इसे पीछे कर लूंगा, और सच में भाई यार गाड़ी में बहुत कंफर्ट है भाई, आराम से। मतलब कोई अडल्ट भी होगा ना वो यहाँ पे बैठ के बहुत प्यार से जा सकता है। अंडर थाई सपोर्ट कम है भाई, लेकिन आप थर्ड रो में और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको स्पेस इतना अच्छा खासा मिल रहा है। आप देख रहे हो किसी गाड़ी में आपको इतना खास स्पेस नहीं मिलेगा जितना इनोवा ही क्रॉस आपको ऑफर कर देती है। यहाँ पे अपना फोन वोन चार्ज करना हो उसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने का नहीं है थर्ड रो में। क्या चीज भाई, मतलब एसी वेंट्स अगर हमको एडजस्ट करने की, हमने को फैन स्पीड के लिए एक ही कंट्रोल है, रियर के लिए पूरे के लिए।
यहाँ से कहना पड़ेगा मेरे को कि भाई अपने इसको कर दो कंट्रोल, जब वाला सीन बनेगा। एक्सयूवी में ये बढ़िया फायदा, अपना पीछे बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, उसमें आखिरी का भी हाँ, आखिरी का भी आता है उसके अंदर। ये देखो भाई ना, ये वाला बहुत प्यारा फीचर है यार इसका, वो भी इलेक्ट्रिक। तो ZX ऑप्शनल में मतलब स्पीकर आपको अपग्रेड मिल गए। ये वाला सिस्टम मिल गया पूरा। कैसा है सिस्टम? कैसा सिस्टम? बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। मजा आता है, हमें स्ट्रोक की आदत है। जो म्यूजिक एंथुसियास्ट उनके लिए ये भी कम है, लेकिन जिसको स्ट्रोक में चलना उसके लिए बहुत बढ़िया है। अब बताओ मतलब ड्राइविंग में कैसी है भाई ये गाड़ी, भागने भगाने के मामले में? भागने भगाने के मामले जो इनिशियल है वो पेट्रोल डीजल से तो कम है थोड़ा, मतलब डीजल जो फॉर्च्यूनर थी उससे कम है, लेकिन कहीं कमी नहीं है। अभी भी रास्ते में हम ये अपना बार छपर वाला इतना बढ़िया बन गया, कैश थे हुआ 160 ऐसे चला के लाए, कोई कमी नहीं, मतलब स्टेबल लगती है गाड़ी 160 की स्पीड पे। और एडास फीचर सारे के सारे आ जाते हैं, लेन चेंज वो अपने आप ही कर दे रहा था। इसको खुद गाड़ी चलाने के लिए दे, खुद चला लेगी, हमें हमारी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, एडास वडास फीचर लोडेड गाड़ी है। यहाँ पे देखो लेन कीप असिस्ट वगैरह पूरा यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। और जब इसको लगता है ना कि अब बैटरी के बस की नहीं है, तो अपने आप पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो भाई गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली गाड़ी अब शिफ्ट करती रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मालिक साहब ऐसे बैठ गए और अपना ऐसे शीशे लगा के और आराम से बातें बातें करते रहो, इसी के साथ बैठो आराम से, बस वो वाली चीज है भाई। बढ़िया है यार, कुल मिला के मैं तो बार बार यही बात कहूंगा, 8 सीटर गाड़ी आपको 35 लाख रुपए में ऐसी चाबी आ रही है, प्रीमियम सी एकदम। फॉर्च्यूनर लेते थे, फॉर्च्यूनर लिख के आता है, और यहाँ पे इनोवा है तो इनोवा, हाई क्रॉस नहीं लिखा गया हालांकि यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल भाई फुल संतुष्ट अभी तक 15 दिन चलाने के बाद। चाचा ताऊ सब पापा आपके एकदम बिल्कुल संतुष्ट है कि यार गाड़ी ले ली, बढ़िया ले ली, मजेदार। जो भी आ रहा है वो गाड़ी को देख के ही जा रहा है। अपनी पीछे वाली सीट पर बैठ के फोटो खींच के लेके गया था भाई बादरगढ़ का है, कि पापा को जाके दिखाऊंगा, उनके पास क्रिस्टा है, ये चेंज करो, ये वाली लेके आएंगे जो लेग सपोर्ट है उसके लिए। हालांकि ये टैक्सीज का एडिशन आ चुका है, वैसे जो जी है जो नॉन हाइब्रिड है उसमें भी आप इसको ले सकते हो, लेकिन हाइब्रिड वाली अगर आपको माइलेज चाहिए तो वो हाइब्रिड में बढ़िया मिलेगी। प्लस कंबाइंड पावर भी आपको अच्छी खासी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है, जिसको एक वैल्यू फॉर मनी डील जरूर से बना देती है। बाकी फीचर वीचर वाइज बात करोगे अपना स्पेस स्पेस के मामले में, हमेशा से टोयोटा इन चीज़ों पर ध्यान देती रही है। मैंग भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार नई गाड़ी के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप रिकमेंड करते हो किसी को कि भाई इनोवा आई क्रॉस खरीद लो, आँख मिच के आँख बंद करके ले आओ इस गाड़ी, मस्त है हर तरीके से एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं लगती आपको। और भाई अगर अभी हमसे कोई वो रह गई और आपको डिटेल में और इनोवा आई क्रॉस के बारे में जानना हो, तो भाई भी हमारे यूट्यूबर हैं, ये भी वीडियोस बनाते हैं गाड़ी के बारे में। आप बता दो भाई कहाँ पे देख सकते हैं? भाई छोटे मोटे करके चैनल है, भाई से हम लिंक डलवा देंगे। नाम बता, छोटे छोटे मोटे ही है चैनल का नाम, मयंक यादव नाम है मेरा। अच्छा, छोटे मोटे करके चैनल का नाम है छोटे मोटे। वाह भाई बहुत यूनिक नाम है भाई छोटे मोटे, चलो पक्का ना कोई कमी नहीं है भाई, आंख बंद करके। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।